हेलो प्रणाम नमस्कार पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं सस्टेनेबिलिटी विद प्राची का ग्रीन तत्व टॉक्स पॉडकास्ट। हाल फिलहाल में एक अभियान सबकी नजर में आया, वो है एक पेड़ माँ के नाम। इसके बारे में तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सुना ही होगा। ये अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल में शुरू किया गया था और इस अभियान का मकसद पर्यावरण को बचाने के लिए देशवासियों से पेड़ लगाने की अपील करना था। इस अभियान के तहत लोगों से अपने घरों और आसपास की खाली जमीन पर पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई। लोगों को समझाया गया कि पेड़ लगाने से धरती का संतुलन बना रहता है और पर्यावरण की रक्षा होती है और साथ ही पेड़ लगाने से स्वास्थ्य के लिए फायदे भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस यानी कि जून 5 पर आरंभ किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने पूरे देश में जन अभियान का स्वरूप ले लिया है। इसी के चलते एक खबर हमने पढ़ी कि इंदौर के रेवती रेंज में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। विभिन्न संगठन, संस्थान, शहरवासी इस रिकॉर्ड को बनाने में लग गए और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 12 लाख पौधे लगाकर इंदौर ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। सर्वाधिक पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दर्ज किया गया। यहाँ पर मैं डॉक्टर मोहन यादव जी की कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी। वे कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन हमें प्रकृति से जोड़ते हैं और मानवता के मूल गुणों को प्रोत्साहित करते हैं। जंगलों के नष्ट होने और अनियंत्रित प्रदूषण की परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई जिसकी पूर्ति पौधे लगाने से ही हो सकती है। पीएम मोदी ने पौधरोपण को मां से जोड़कर अभियान को सभी के लिए आत्मीय और व्यक्तिगत बना दिया है। मां के नाम पर पौधा लगाना भारतीय संस्कृति को नमन है। कितने सुंदर शब्द है सच का। एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के तहत लोग अपने माँ के नाम पर पेड़ लगाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब लोग अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाते हैं तो उनका उस पेड़ से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ जाता है। उससे वे उस पेड़ की देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा के प्रति ज्यादा सतर्क रहते हैं और इस अभियान के तहत लोग फल की प्रजातियों के पेड़ भी लगा रहे हैं जिससे हरियाली और पर्यावरण संतुलन बना रहता है, साथ ही मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। इसके अलावा फल उगाने से रोजगार और आर्थिक फायदे भी होते हैं। Not only this, जानते हैं, on this Independence Day celebration, Ministry of Defence also initiated a nationwide tree planting campaign again under the Ek Ped Maa Ke Naam initiative, which was originally launched on World Environment Day June 5, and they aim to plant 1.5 million trees across the country. The drive will involve three armed services and associated organizations such as DRDO, Defence, PSUs, CGDA, NCC, Sainik Schools and Ordnance Factories. Not only this, हर शहर में हर जगह इस अभियान को लेकर काफी अच्छी मात्रा में वृक्षारोपण हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज पेड़ या फॉरेस्ट जिसे हम लंग्स भी कहते हैं अपनी लैंड का, they absorb the harmful gases and emit oxygen. And trees have an enormous ecological presence and are crucial in fighting with the global warming. अब जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, इकोलॉजिकल प्रेजेंस की, पेड़ लगाने की, तो पेड़ तो हम सभी लगाते हैं पर अभी हाल फिलहाल ही मेरी नजर एक ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल पे पड़ी जो सिर्फ पेड़ लगाते ही नहीं है, पेड़ देते भी है और उस इनिशिएटिव का नाम मुझे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा जिसे वो पेड़ लंगर कहते हैं। तो पेड़ लंगर उनसे जुड़े हुए व्यक्ति और उनसे जुड़ी हुई और भी कई गतिविधियों के बारे में जानने के लिए आज मेरे साथ ग्रीन तत्व टॉक्स पर मौजूद है मिस्टर पल्लव विक्रांत जी। तो उनके बारे में, इन सब के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम उन्हें इनवाइट करते हैं ग्रीन तत्व टॉक्स पॉडकास्ट पर। पल्लव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन तत्व टॉक्स पर। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं पल्लव जी के बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी। मिस्टर पल्लव विक्रांत जो कि एक एयर वेटरन है, ही इज द फाउंडर एंड बोर्ड चेयरपर्सन ऑफ लिमिटलेस स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ समग्र उन्नयन फाउंडेशन जिसके अंतर्गत ही ये सारी एक्टिविटीज की जाती है।
ही इज अ विजनरी फाउंडर एंड बोर्ड चेयरपर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड विद ओवर 26 इयर्स ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एजुकेशनल ओवरसाइट. He is a distinguished learning and development specialist. His diverse professional journey includes notable roles such as senior manager training at Sri Aurobindo Society, जिसके बारे में मैं उनसे सवाल जरूर करने वाली हूँ. Throughout his career, Mr. Vikrant has demonstrated exceptional expertise in developing impactful training programs, leading strategic initiatives, and fostering organizational growth. Beyond his professional achievement, Mr. Vikrant is dedicated environmental enthusiast, actively aligning himself with the Sustainable Development Goals, जिसे हम SDGs कहते हैं, set forth by the World Health Organization. Wow, so much so. So, Pranav ji, हमारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगी. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने समग्र उन्नयन फाउंडेशन या जिसे SUF भी आप लोग कहते हैं, ये आपने कैसे शुरू किया, मतलब किसने प्रेरित किया आपको ये फाउंडेशन शुरू करने के लिए, उस सफर के बारे में प्लीज बताइए हमें. हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप और भी करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ. आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय काम है, है? और आप हमारे जैसे जो बहुत छोटी छोटी संस्थाएं हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जो हम छोटा छोटा काम कर रहे हैं और हमारे काम को आप बड़ा मकाम देते हैं, बड़े पोर्टल पे लेके आते हैं, ये एक बड़ा काम है. इसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ ये काम आपका और तरक्की पाए और बहुत सारी संस्थाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आके वो अपनी बात कर सके. जहाँ मेरी बात है कि मैं, आपने बताया मैं एयर वेटरन हूँ, मैंने फौज में भारतीय वायुसेना के अंदर काम किया है 20 साल. और भारतीय वायुसेना में जब आप फौज में काम करते हो तो बहुत सारा आपका जो स्पेसिफिक कोर वर्क होता है, जो कोर वर्क जिसके ट्रेंड होते हो, अलोंग विद दैट जो आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती है, जिनको आप आज की तारीख में जाके पैसे देकर सीखते हो, लाइफ स्किल्स जिनको आप बोलते हो, बहुत सारी लाइफ स्किल्स आप सीखते हो, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोपिंग विद द स्ट्रेस, 100% गोल अचीवमेंट क्या कर रहे हैं देखते हो. फौज की जो ट्रेनिंग होती है उसका ये इंटीग्रल पार्ट है. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से, वो बहुत सारे इनिशिएटिव वहाँ से बिल्ड हुआ. फिर जो मेरा आपने बताया, मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के अंदर काम किया, प्लस श्री अरविंदो सोसाइटी हैज इम्पैक्टेड द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ श्री अरविंदो सोसाइटी, श्री अरविंद विजन एंड मदर्स विजन, जो उनके साथ काम करके मुझे महसूस हुआ कि हाँ और ये काम मुझे करना चाहिए. फिर आइडेंटिफाई हुआ मुझे कि मुझे इन डोमेन्स में ही काम करना चाहिए. लाइक मैंने 20 साल काम किया IT एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर. जब मैंने फौज छोड़ी उसके बाद आई एम फॉर द लास्ट 6 ईयर्स आई एम वर्किंग इन दी लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर. और जो इन्वायरमेंट के प्रति मेरा जो शौक है ये मुझे मेरे पिताजी से मिला. माई फादर इज अ टीचर, नाउ इज अ रिटायर्ड टीचर. और लेकिन उनको भी जब जहाँ पे हम जाते थे उनके साथ में, जो उनका ही वॉज अ टीचर इन JJ इंटर कॉलेज कॉलेज है, तो हम जाके छोटे छोटे भी जाके देखते थे कि उन्होंने वहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं. फिर जो हमारा घर जहाँ पे हमने घर बनाया वहाँ पे भी उन्होंने काफी बड़ा एक गार्डन बनाया, जो कि एक यूनिक सा गार्डन बन के आया. कुछ ऐसे हुए जिनको न्यूज़पेपर्स ने कवर किया. तो ये जो सस्टेनेबिलिटी की आप बात करो, और गांव में पैदा हुआ हूँ मैं, सहारनपुर के छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, तो घर में ये खेती, ये पेड़ लगाना है ना, और पशु पालना, तो ये हम बचपन से हम देखते आ रहे हैं. अब वो चीज़ें बहुत क्योंकि विलुप्त होती जा रही है, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली हम लोग कर रहे हैं. तो मतलब इनहेरिटेड था, अंदर ही था. बस श्री अरविंदो सोसाइटी, जो श्री अरविंद का दर्शन भी है कि नथिंग कैन बी टॉट, जो उनका फर्स्ट टीचिंग प्रिंसिपल है, नथिंग कैन बी टॉट, है ना. तो जो आपके अगर करेक्ट इन्वायरमेंट आप रहते हो तो करेक्ट इन्वायरमेंट में जैसे आप पहुंचते हो वैसे ही, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि बीज कहीं भी डाल दो, आप फर्श पर डालोगे तो बीज नहीं उगेगा, लेकिन जब उसको करेक्ट मिट्टी, हवा, पानी, खाद मिल जाता है तो बीज प्रफुल्लित हो जाता है. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि माई एंट्री, माई वर्क, माई एसोसिएशन विद द श्री अरविंदो सोसाइटी गेव मी दैट प्लेटफॉर्म, और वो सब अंदर से आया. और उन सबसे अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छे दोस्तों का साथ मिला जो मेरे साथ, जिन्होंने आई टोल्ड देम कि हम क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा नहीं कि करना है नहीं करना है, तो कह रहा है तो चलो हाँ बिल्कुल करते हैं. तो नाउ आई हैव अ वेरी, मतलब भगवान की कृपा से बड़ी एक टीम है और सब अलाइंड है और बहुत अच्छा काम अपने इनिशिएटिव से कर रहे हैं. मेरा कुछ एक दो का नाम लूंगा तो बाकी लोग ऑफेंड ना हो. मैं
ऑल दी यू नो टीम मेंबर्स ऑफ समग्र इंडियन फाउंडेशन एंड लिमिटलेस स्किल्स, वो सब सिर्फ मेरे कहने से आ गए कि चलो यार हम ऐसा कुछ काम करना चाहोगे, तब लोग मिल गए, दे आर सेड हां क्यों नहीं, और वो टीम अब बड़ी होगी, देयर आर मोर देन 100 पीपल। तो ये सब मैं मानता हूं ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है, कृपा है, आपके पिताजी की गाइडेंस रही है और आप खुद भी इतनी प्रेरणादायक हैं, तो आई एम श्योर ये सारी चीजें जब एक साथ मिलकर आती हैं तो एक अच्छी चीज की शुरुआत होती है। पलक जी, मैं जानना चाहूंगी समग्र उन्नयन इसका कुछ खास मतलब होता है, मतलब मेरे से जरूर पूछना चाहेंगे ये बात। तो मैं जब नाम सोच रहा था तो मैंने बताया पिताजी मेरे हिंदी संस्कृत के टीचर रहे, तो मैं उनसे डिस्कस करता था, टीम से भी डिस्कस करता था, एक थॉट था मेरे दिमाग में कि इंक्लूसिव होना चाहिए, लाइक ये जो फौज का बैकग्राउंड, हम वहाँ पे हम क्योंकि हम डिस्टिंग्विश नहीं करते लोगों को ना, लोगों के बीच में जात धर्म सब कास्ट रिलीजन किसी भी चीज पे, हम तो एक इंक्लूसिविटी आपके अंदर आ जाती है व्हेन यू बी यू नो जब आप ट्रेनिंग्स में रहते हो 20-25 साल का दायरा जब हिसाब आते हो, तो वो एक इंक्लूसिव सी सोच मेरे दिमाग में थी, तो वो मैं यही चाह रहा था कि नाम रिप्रेजेंट करे इंक्लूसिविटी को कि सब इंक्लूडेड है, तो वो समग्र का मतलब ही इंक्लूजन है, समग्र स्टैंड फॉर इंक्लूजन, और उन्नयन का मतलब होता है एलिवेशन ग्रोथ, तो सबकी सामूहिक ग्रोथ थॉट, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिविटी ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स, इसके अंदर मैं पेड़ भी मान लेता हूँ, ह्यूमंस भी मान लेता हूँ और एनिमल्स भी मान लेता हूँ, तो उन सबका भला हो, ऐसी सोच स्टार्टेड दिस समग्र उन्नयन फाउंडेशन कि सबका भला, सबके साथ, सबका एक इकट्ठी ग्रोथ हम सब देखें, हमारे श्लोकों में भी बहुत जगह आप देखोगे ये बात मेंशनड है, तो ये एक विजन है जिसके साथ हमने कलेक्टिव सा विजन आया, फिर हमने नाम ढूंढा तो ये नाम हमें लगा, वी स्टार्टेड विद दिस, तो अब हम अलाइन हैं उस थॉट प्रोसेस के साथ में जो हमारा विजन है उसके साथ में, तो उसी के साथ में कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने जितने हम कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत विजन है मैं कहूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा समग्र उन्नयन के बारे में जब आपने इस तरह से समझाया, बल्कि अब मुझे उसको एसईओ बोलने में मुझे शायद अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत सा उसका मतलब है, जिस तरह से आपने कहा कि सबको समाकर सबको एक साथ आगे बढ़ने की जो सोच है दैट इज समग्र उन्नयन फाउंडेशन विच इज बेटर ऑल्सो नोन एज एसयूएफ। सो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि एसयूएफ इज एन एनजीओ बेस्ड आउट ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। एसयूएफ प्लेटफॉर्म इज कमिटेड टू अपलिफ्ट वेरियस लेवल्स ऑफ सोसाइटी थ्रू इट्स डाइवर्स प्रोग्राम, जिनके बारे में मैं अभी पल्लव जी से ऑफ कोर्स पूछूंगी, विच सराउंड्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड अ हेल्थियर एनवायरमेंट। इनकी वेबसाइट का नाम है समग्र उन्नयन .org, अगर आई वुड जस्ट लाइक टू स्पेल इट इज SAMAGRUNNAYAN.org। इवन फेसबुक पर भी आप समग्र उन्नयन फाउंडेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप देख सके कि किस तरह के एक्टिविटीज ये लोग कर रहे हैं। एंड एसयूएफ जिस तरह की इन्होंने अभी बताया विजन, इट इन्विजन्स अ कम्युनिटी डिवोटेड टू प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एनवायरमेंट एंड प्रमोटिंग सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वेस्ट रिडक्शन, आप एनकरेज करते हैं सस्टेनेबल लिविंग को अक्रॉस द कंट्री, आपके कई एक्टिविटीज एंड ड्राइव्स चलते हैं। इन्हीं ड्राइव्स के चलते हम जब बात कर रहे थे, जब मैंने ये एपिसोड शुरू किया तो पेड़ की बात कर रहे थे, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ है तो जीवन है, पशु पक्षी के लिए भी पेड़ों का होना, पेड़ पौधों का होना ये प्रकृति का प्राण है, एंड हम सभी जानते हैं कि पेड़ों की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जब मैंने शुरुआत की थी आपसे बात करनी, या जब मैंने आपका इंस्टाग्राम का हैंडल मुझे दिखा था और जब हमने इसके बारे में बात की, तो सबसे पहली चीज जो मुझे आपके इंस्टा हैंडल पे दिखी थी वो था पेड़ लंगर। तो पल्लव जी, आपके ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स या पेड़ लंगर की जो क्या कहना चाहिए धारणा है, या जिसे आप पेड़ लंगर के तहत ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, ये सब इसकी जर्नी प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत चीज है जो आप लोग कर रहे हैं, तो प्लीज बताइए उसके बारे में। थैंक यू सो वेरी मच तो इसकी शुरुआत ऐसे की हमने, तो हम जब इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड तो हमने सोचा कि जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने कुछ यात्राएं की ऐसी होती हैं, है ना, तो एक और सभी बारे में भी जाते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं और बाकी सब सारी रिलीजियस प्लेसेस को हम विजिट करते हैं, तो एक मुझे ये थॉट नजर आया, दो जगह व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस होता है और जो भाव होता है वो बड़ा रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव मतलब कि वो सुनने को, समझने को और उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार रहता है।
तो ये थॉट कि हाँ जब व्यक्ति रिलीजियस प्लेसेस पे आए तो उस समय उसको अबाउट द एनवायरनमेंट और अबाउट द ट्री प्लांटेशन या जो हमारा बायोडाइवर्सिटी ड्राइव है, समग्र इंडियन फाउंडेशन का जो एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो प्रोग्राम है वो एक समग्र बायोडाइवर्सिटी ड्राइव है, उस बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है ट्री प्लांटेशन। उसमें भी हम नेटिव फ्रूट ट्री का प्लांटेशन हम करते हैं। जो लंगर भी हम लगाते हैं, हाँ, नेटिव फ्रूट ट्री, क्यों? जो फ्रूट ट्री होता है वो बायोडाइवर्सिटी को इनरिच करता है, क्योंकि उसके पास फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब चीजें, नेक्टर, सब चीजें अवेलेबल होती हैं जो बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं, लाइक बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बीज हैं, है ना, और जो हमारी सॉयल है उसको भी वो बहुत इनरिच करता है जो फ्रूट ट्री होता है। तो वो हम बांटते हैं, लगाते भी वही हैं, लोगों को प्रमोट भी वही करते हैं। आपने अगर प्लांटेशन करनी है तो इन्हीं ट्रीज की आप प्लांटेशन भी करो। तो ये थॉट वहां से आया। और सुनाल है जो वाइस प्रेसिडेंट भी है और ही इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ही गेव मी दैट आइडिया कि सर हम ऐसे करते हैं लुधियाना के अंदर। वी स्टार्टेड दिस अर्लियर, वी स्टार्टेड दिस, हमने सिर्फ एक कैंपेन किया था हरिद्वार के अंदर जिसके अंदर हमने पेड़ नहीं बांटे थे, हमने एक पैम्फलेट दिया था जो कावड़ यात्री आते हैं हरिद्वार के अंदर, जो कावड़ यात्री आते हैं वहां पे हमने उनको एक मैसेज दिया था कि घर जाओगे पेड़ लगाना, आप कावड़ यात्रा के लिए आए हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप घर जाना तो पेड़ लगाना। तो एक मैसेज हमने दिया था ये 2022 में। फिर अभी लास्ट ईयर 2023-2024 में हमने पेड़ लंगर लगाए, गुरुद्वारा साहब के अंदर भी पेड़ लंगर लगाए। तो वहां पे भी जो लोग आते हैं बहुत अच्छे से सुनते हैं, पेड़ लेके भी जाते हैं और पेड़ ले जाके, जैसे हमने लुधियाना में जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे गुरुद्वारा साहिब है वहां पे हमने पेड़ लंगर लगाया था, वहां से हमारे से लोग पेड़ लेके गए, कुछ लोग तरन तारण गए, कुछ लोग अम्बाला गए, कुछ हरिद्वार चले गए, कुछ कहाँ कहाँ जाके उन्होंने, और हम उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। अगर हमने 100 पेड़ बांटे हैं या 500 पेड़ बांटे हैं तो हम पूरा नोट डाउन करते हैं किसको हमने पेड़ दिया और वो पेड़ लगा के फोटो खींच के हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी शेयर करता है और हमारे डाटा बेस पे भी इनरोल कराता है कि हाँ हमने जो आपने पेड़ दिया था उसको हमने यहाँ पे लगाया है। एक मैसेज कन्वे होता है, साथ ही साथ खाली मैसेज नहीं, लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और जो थोड़ा मेरा जो संस्था का जो मेरा भी बिलीव है, हमारी संस्था का भी ये बिलीव है, काम बहुत बड़ा काम नहीं है तो छोटा काम करें लेकिन वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए उसका, क्यों आज की तारीख में आप जैसे एक सोशल मीडिया हैंडल आप चलाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू वो जो इम्पैक्ट है, जो आपने अच्छा काम किया है उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है और वो जो इम्पैक्ट होता है फिर वो रेप्लीकेट होने लगता है, रेजोनेट होने लगता है और जो आपका विजन होता है वो आप ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होते देख पाते हो। तो इसलिए यही एक छोटा सा थॉट प्रोग्राम, छोटा काम करें लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा हो और आप जैसे व्यक्तियों का हमें अगर सहयोग मिल जाता है तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट और बड़ा हो जाता है। तो दिस वाज द थॉट, दिस वाज द टोटल इम्प्लीमेंटेशन प्लान के हमने उसको इस तरह से प्लान किया। और अब छोटी छोटी रिलीजियस छोटी छोटी गैदरिंग्स में भी लोग इन्वाइट करते हैं, आप आओ लंगर लगाओ, छोटे छोटे क्या हमने घरों में पूजा हो रही है वहां पे भी कहते हैं कि आप ना ये पेड़ रखवा देना, मतलब जी सुनाल शिखा जो भी हमारे टीम मेंबर थे उनको दे मैसेज दे हम कि यार हम वहां पे ऐसी गैदरिंग कर रहे हैं, आप एक काम करना लंगर लगवा देना। एलुमनाई मीट्स होते हैं, एलुमनाई मीट्स होते हैं वहां पे भी लंगर लगवा देते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव बन गया और मैं चाहता हूँ कि बाकी और लोग भी इस चीज को अडॉप्ट करें, गिफ्ट करना है तो ये चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो चाहे वो फ्रूट ट्रीज हो वो सब करेंगे तो उससे मैसेज आता है, बढ़िया मैसेज आता है और वो चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। यस, थैंक यू पलक जी, बहुत ही प्यारी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है एंड मैं आपको और आपके टीम मेंबर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी एंड ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी कि इस तरह की पीर लंगर, जो ये शब्द भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ये आप हमेशा इस तरह से करते रहे और ये नेशन वाइड स्प्रेड हो ताकि लोग समझ सके कि लंगर सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए नहीं, धरती के पेट भरने के लिए जो पेड़ लगाना जरूरी है उसका भी किया जा सके है। तो ये इनिशिएटिव बहुत प्यारा है, अच्छा लगा है जानकर कि आपने जैसे कहा कि लोग घरों में भी बुलाते हैं, आप एलुमनाई मीट्स है, गुरुद्वारा है, जहां पर भी आपको मौका मिलता है तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण होने के लिए इस पेड़ लंगर को चला रहे हैं, ये शब्द ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग पलक जी, आप लोग जीरकपुर मतलब कहाँ पर प्लेस्ड है आप लोग? ऑफिस तो हमारा जीरकपुर में ही है बट हम जो काम करते हैं पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट में, जैसे गुरदासपुर में हम काम करते हैं, लुधियाना में हम काम करते हैं, मोहाली में मैं खुद रहता हूँ, मोहाली, जीरकपुर, चंडीगढ़, यहाँ पे हम काम करते हैं, सहारनपुर का मेरा नेटिव प्लेस है तो एक टीम सहारनपुर के अंदर भी है हमारी,
हरिद्वार से भी हैं, क्योंकि संस्था के अंदर 8 डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं, तो जहाँ जहाँ पे लोग हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं या बोर्ड मेंबर्स हैं, तो वो अपने लेवल पे सभी जगह कुछ ना कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। मेजर जो इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि हमारी संस्था पंजाब में है और हम मेजर जो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हैं पंजाब में रहते हैं, तो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं मेजर वो पंजाब के अंदर चल रहे हैं और धीरे धीरे भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलता जाएगा वैसे वैसे चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगी, दुआ करूंगी कि आप इस तरह से ही बढ़ाते रहें अपने इस कार्य को। और अगर आप में से कोई पंजाब में है या जैसे इन्होंने बताया सहारनपुर या हरिद्वार के आसपास है, अगर आप इनसे कभी मिल पाते हैं या पेड़ लंगर जानते हैं, तो प्लीज इस पेड़ लंगर का हिस्सा बनिए, पेड़ लगाइए अपने आसपास, अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए भी आप ले सकते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में वृक्ष का इतना महत्व है कि वृक्ष के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि ओके पेड़ लगाना है, और एक होता है कहते हैं ना कि जब तक आपने अपने हाथों से एक पेड़ लगाया नहीं है, हाथ गंदे नहीं किए हैं, गड्ढा खोदा नहीं है, तब तक आपने कुछ नहीं किया है। तो पेड़ लंगर का हिस्सा बनिए, मेरी जरूर आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके, वैसे भी एक अभियान जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम चल ही रहा है, पल्लव जी जैसी काफी ऑर्गेनाइजेशन और काफी सदस्य ऐसे हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, जैसे कि कई बार लोगों की परेशानी होती है हम पेड़ कहाँ से ले, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आप ये जो फल बियरिंग वाली जो ट्रीज है उनको लगा रहे हैं और जो नेटिव प्लांट्स है, बिकॉज ये भी एक इशू रहता है, अगर आपने उस जगह का पौधा या उस जगह का ट्री नहीं लगाया तो उसको पनपने में तकलीफ होती है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस चीज को समझ कर रहे हैं कि एक नेटिव प्लांट कौन सा लग सकता है और उसको कैसे हम ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि पेड़ यानी जंगल जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होती है वो हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है, और ये तो मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है समझना कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो सभी जीव घुटकर मर जाएंगे। तो प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए वृक्षों का लगाना बहुत आवश्यक है, और वृक्ष हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, आवास भोजन है, वस्त्र प्रदान करते हैं, फल फूल ईंधन लकड़ी औषधि, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, और वृक्षों तथा उनके फूलों और फलों से कई ऐसी औषधियां भी तैयार होती है जिनका उपयोग हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। सो वृक्ष, इसका महत्व जो है वो एक शब्द में करना बहुत कठिन है, पर हाँ जैसे कि कुछ कहावतें कहती हैं कि वृक्ष जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे उपयोग में आता है, वो बिल्कुल सच है। तो ऐसी स्थिति में हम वृक्ष के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए वृक्ष की महत्वता को भी हम नकार नहीं सकते। तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर तो आपके आसपास SUF या इस तरह की फाउंडेशंस हैं, अगर आप पंजाब में हैं तो ऑफकोर्स पल्लव जी इज अप्रोचेबल, मैंने आपको उनका हैंडल बताया है, यू कैन फॉलो समग्र उन्नयन फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज है, उनकी पेड़ लंगर की जो एक्टिविटीज चलती है या प्लांटेशन की, तो उसका आप भरपूर फायदा उठाएं और कोशिश करें कि आप अपने आसपास अगर कोई खाली बैरन लैंड है तो वहां पर पेड़ उगाने की कोशिश करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया अरबिंदो सोसाइटी का, जो कि हम सभी को पता है श्री अरबिंदो सोसाइटी पौंडेचेरी की है, एंड अरबिंदो घोष जी जो एक योगी फिलोसोफर और फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो आपका उनके साथ काफी अच्छा एसोसिएशन रहा है, जो कि आई थिंक मैंने आपसे जितनी बार भी फोन पे बात की आपने हमेशा उसका जिक्र जरूर किया है, एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे कि आपने बताया था आप वहां की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर की तरह कार्यरत भी रहे हैं, सो आपका उसके साथ एसोसिएशन, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं 2018 में मेरी जो जॉब थी भारतीय वायुसेना में वो पूरी हुई थी, उसके बाद 2019 में मैं आई वॉज वर्किंग एज ए फ्रीलांस ट्रेनर, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन मैंने चूज किया था पोस्ट रिटायरमेंट के, आई विल बी वर्किंग इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग फील्ड ओनली। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे एज अ सीनियर ट्रेनर, आई स्टार्टेड द जॉब एज अ सीनियर ट्रेनर, और वो जो वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे वो एजुकेशन जो टीचर्स ट्रेनिंग और जो अकेडमिक्स हेड्स होते हैं उनके साथ ट्रेनिंग्स के और करिकुलम से रिलेटेड प्रोग्राम उनके ऊपर ट्रेनिंग करना और करवाना, तो वहाँ पे वो एक अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी जहाँ से मैंने सीखा, और धीरे धीरे मैं जो श्री अरविंद का दर्शन है उसके साथ थोड़ा थोड़ा भी, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा मतलब आप मान के चलो बहुत योगदान है, आप फिलॉसफी अगर पढ़ते हैं जो लोग जानते हैं तो ही इज़ वन ऑफ द टॉप मॉडर्न फिलोसोफर ऑफ दिस कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड,
हाँ, तो जो और जिन्होंने सारे वेद, बहुत सारे पुराण, बहुत सारे उपनिषद, सबको जिस व्याख्यान लिखे हैं, समझाया है, और उनकी एक खुद की एक रचना है जो सावित्री के नाम से, वो बहुत फेमस रचना है, और वो इजीली आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप उसको पढ़ो और समझ लो, तो किसी गुणीजन के पास बैठ के उसको, उसके अर्थ को, उसके भाव को आपको समझना पड़ेगा। तो वो एक इम्पैक्ट है मेरे ऊपर जो मुझे बाय दी ग्रेस ऑफ दी गॉड और मदर, जो श्री अरविंद की एक शिष्या थी, मीरा अल्फासा नाम था उनको, अभी हम सब जो श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े लोग उनको मदर के नाम से जानते हैं। आज आप जिसको ऑरोविल बोलते हैं, ये मदर का ही कॉन्सेप्ट था, और ऑरोविल पांडिचेरी में है, मदर की समाधि है। तो मदर मदर ने और श्री अरविंद ने शिक्षा के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और लोगों को सिखाया है। इंटीग्रल योग और इंटीग्रल एजुकेशन और इंटीग्रल योग के ऊपर श्री अरविंद का सारा दर्शन निहित है। और ये क्योंकि मैं अगर इसके ऊपर बात करूंगा तो पूरा जो हमारा जो टॉक है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा। बट हाँ, और वो स्पिरिचुअलिटी जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एनी आडंबर, स्पिरिचुअलिटी बिना किसी तिलक और ये सब बाह्य आडंबरों के बगैर, जिस स्पिरिचुअलिटी, जिस रिलीजियसनेस को आप फॉलो कर सकते हो, उसको श्री अरविंद बताते हैं, और उसको वो कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड बताते हैं कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, तो आपको सबसे पहले यू हैव टू अटेन दैट कॉन्शियसनेस। वो सब इंटीग्रल है, धीरे धीरे आप जब व्हेन यू एसोसिएट विद दी यू नो प्रोसेस, तो वो धीरे धीरे सब चीजें होती जाती हैं। वो एक इम्पैक्ट मुझ पे है, और मैं आई फील ब्लेस्ड कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वो सब चीज वहां से सीख पाया, और अपनी लाइफ में तो थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करने के प्रयास कर रहा हूँ मैं अभी। पूरी तरह से हो पाया हूँ नहीं हो पाया हूँ, आई एम नॉट जजिंग माई सेल्फ, बट हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करने के प्रयास कर रहा हूँ, ये है। और बहुत अच्छा उनका जो इम्पैक्ट, जो सोसाइटी के ऊपर भी, जो ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर भी जो काम है, जो जो वहाँ पे जो इनिशिएटिव्स हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, जिनसे हम सब लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीख सकते हैं। तो बहुत क्या कहना चाहिए, सच कहा आपने, इस पर एक अलग एपिसोड बन सकता है, बिकॉज आपकी नॉलेज आपकी इन बातों से झलक रही है। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी 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 उसके ऊपर नॉलेज जीरो है, मेरी नॉलेज बहुत गुणीजन, मैं बहुत सारे गुणीजनों को जानता हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो आके बताएंगे आप, मेरी तो बहुत ही जीरो नॉलेज है। बहुत नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से अभी चीजें बताई उससे मैं दो तीन चीजों पर आना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो जब आपने अरबिंदो आश्रम की बात की, तो मैं वहां कभी जा नहीं पाई हूँ, बट वहां पर ना एक बनियन ट्री है जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, तो मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर हाँ, वो ऑरोविले का एक बनियन ट्री है जो मैत्री मंदिर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद ऐसे मंदिर में, हाँ जी, जो है, तो एक वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों, वो पेड़ बहुत पुराना है एंड बहुत सुंदर है। एंड जब आपने ये सारी बातें की ना, तो मुझे श्री अरविंद जी का भी एक कोट याद आता है कि अ बर्ड इज अ वेरी फ्रीक्वेंट सिंबल ऑफ द सोल एंड द ट्री इज द स्टैंडिंग इमेज ऑफ द यूनिवर्स, द ट्री ऑफ लाइफ। सो आपने जिस तरह से भी बताया ना कि जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, या हम कह सकते हैं एनवायरमेंट के प्रति लगाव है, प्रकृति के प्रति प्रेम है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जब एक होता है ना कि इंसान के अंदर वो चीजें मौजूद होती है ना, तो शायद चीजें मिलती चली जाती हैं। तो आपका इस सबके साथ एसोसिएशन, आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें असर ऑफकोर्स आपका रहा है इन चीजों का। और एक चीज पे और आना चाहूंगी कि जहां आपने ना एक शब्द भी इस्तेमाल किया, आडंबर, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे किसी से शिकायत है जो मूर्ति पूजा करते हैं क्या, पर हाँ, प्रकृति के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो शायद हम कहीं को भी भूल जाते हैं, जबकि भारतीय समाज में, भारतीय रिलीजन में पेड़ों के प्रति प्रेम और उनकी पूजा करना ये सालों से चला आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी बनियन ट्री की बात की, तो वट पूर्णिमा होती है, बरगद का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इन सब की ना पूजा करने का कहीं ना कहीं, मतलब नेचर के प्रति हम ऋणी है, ये हमारे रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में है। वो एक अलग बात है कि अब उसको नाम एक अलग दे दिया जाता है एंड हम उसको स्वरूप कुछ और दे देते हैं, पर मतलब मैं पर्सनली भी, जैसे मैं खुद को पंचतत्व गर्ल बोलती हूँ, तो ये जो पंचतत्व हमारे आसपास मौजूद है, मैं इनकी पूजा करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। लेकिन क्योंकि सोच लीजिए, अगर सूरज ना आए, बारिश आए, हमारे आसपास हवा ना हो, अच्छी सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी ना हो, तो आपको कितनी तकलीफ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हमें प्रकृति के प्रति ऋणी ज्यादा रहना चाहिए। एंड जब आपने वो बात की, तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा हटके ऑफ कोर्स हमारे इस वाले से,
कि रिलीजन की जब हम बात करते हैं, जब आप बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की, तो जब आपसे मेरी पिछली बार भी बात हुई थी तो आपने जरूर ये चीज पे स्ट्रेस दिया था कि यस यू आर स्पिरिचुअल। सो पल्लव जी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर जानना चाहूंगी आपके विचार, कि क्या आपके विचार है इस चीज को लेकर। हम जैसे हिंदू फैमिली में पैदा हुआ ना, तो ये कुछ चीजें हमें बाई बर्थ में हमने चूज नहीं किया हो, जब मैंने चूज नहीं किया ना, आपने भी चूज नहीं किया होगा कि आप किस फैमिली में हो रहे हो किस दिन। फिर वो जो संस्कार है वो चीज आपको इनहेरिटेंस में बाई बर्थ मिल गई आपको, वो आपने चूज नहीं किए, तो उसमें से कुछ चीजों को आपने अडॉप्ट किया होगा। फिर जब आप when you are growing, तो उसमें से कुछ चीजें जैसे भी आपने बताया कि ये मैं I prefer you know rather than worshiping Surya as a god और जो पृथ्वी और जो पेड़ हैं उनकी पूजा ये उनको ज्यादा महत्व देना। ये जब आपको धीरे धीरे अनुभूति होने लगी, जब ये ज्ञान पता चलने लगा, आपको रियलाइजेशन होने लगा, या अवेकनिंग अगर मैं शब्द बोलूं कि अवेकनिंग होने लगी कि हाँ यही वो चीजें हैं, तो मेरा रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी माध्यम रिलीजन एक पद्धति है जो आपको मिल गई है ना, वो आपने चूज नहीं की, वो मिल गई। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी को मैं ऐसे काउंट करता हूँ कि जो आपके अंदर है, बाहर तो आप कुछ भी हो सकते हो, आपकी स्किन के बाहर जो भी कुछ है उसको आप एक नाम दे सकते हो, लेकिन जो आप स्पिरिचुअलिटी होती है वो आपकी स्किन के अंदर ही रहती है। तो मैं उस स्पिरिचुअलिटी को मानता हूँ और उसमें फर्म बिलीव करता हूँ। और जो हमारी जितनी भी ये जो वैदिक संस्कृति या जिसको भी आप मानो, जैसे आप बता रहे हो आप, तो वो एंशंट जब लोगों को जब समझ आई होगी, जब एंशंट टाइम में भी लोगों को जब समझ में आई होगी कि हाँ देर इज सम सुप्रीम गॉड, तो उन्होंने मेरा सम्मान में, और ऐसा उल्लेख भी है, सबसे पहले अगर किसी चीज की पूजा की होगी, सर्वप्रथम अगर किसी चीज की पूजा की होगी तो वो डेफिनेटली सूर्य ही रहा होगा, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया क्योंकि ये अगर अवेलेबल रहता है तो हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, और सब चीजें इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर नदियां पहाड़ झरने, तो उन सब के ऊपर हमारी डिपेंडेंस लाइफ की डिपेंडेंसी है, तो वो उस तरह से चीजें फिर वो ग्रो की होंगी, फिर बाद में हम स्पिरिचुअली रिलीजियसली और ऐसे 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 ग्रो करने लगे। तो मेरे जो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस के अंदर जो जिसको मैं डिफरेंशिएटर या जो डिफरेंशिएट करना बोलता हूँ कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेकनिंग है, जो आपके अंदर है, जिससे और जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर द सोसाइटी है ना, फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर द सोसाइटी बनने के लिए मोटिवेट करता है, वो मेरी समझ में एक स्पिरिचुअलिटी है। और सारे धर्म संप्रदाय जितना मैंने अभी तक अपनी छोटी सी इस जर्नी में जाना है, सबका मूल तत्व यही है, सब इसी चीज को प्रमोट करते हैं। आप कुछ भी उठा के किसी भी धर्म ग्रंथ किसी भी संप्रदाय मत के बारे में आप बात करोगे, सबके मूल तत्व में यही है। अगर मैं इतनी ही बात में बोलूंगा, क्योंकि हम जब आप रिलीजन पे और इन सब चीजों पे बात करते हो तो बहुत सारे विवाद भी हो जाते हैं, तो मैं कोई विवाद नहीं चाहता, लेकिन और दूसरी बात मेरी ज्यादा समझ भी नहीं है, मैं एक मुझे बहुत समझ नहीं, पर जो मेरी समझ है वो ये है, मैंने जितना भी जाना है तो मुझे मूल तत्व सबका एक ही समझ में आया, और वो सब यही कहते हैं कि जो भी कुछ है वो आपके अंदर है, तो आप स्पिरिचुअल हाँ, तो दैट इज, तो रिलीजन एक मत है, फीलिंग है, वे ऑफ लिविंग है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, और स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है जो आप जिसके साथ आप जी के अपने एक बेटर ह्यूमन बीइंग खुद और एक अपने लिए भी और एक पूरी सोसाइटी के लिए एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हो। तो ये दिस इज द डिफरेंस विच आई बिलीव, ये मेरा ऐसा सोचना है, भीतर से एक अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश करे, एक काइंड और जनरस इंसान बनने की कोशिश करे, और जहां तक हो सके दूसरों को मदद करने की कोशिश करे, और हमारी जो ये पृथ्वी है उसे इसी तरह से हरा भरा जीता जागता रहने दे, इसके लिए अपने एफर्ट्स पुट इन करें। मैं यहाँ पर ये चीज एक बार फिर से इसलिए बोलना चाहूंगी, बिकॉज जब हमने अभी बात की पेड लंगर की, जब हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की,
आजकल ना लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, हम मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, हम मार्केट से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, नई चीज आ गई है उसको खरीदना है, कोई भी चीज किसी ने बोल दी वो हमें लेकर आना है। सो हम मटेरियलिज्म जिसे हम कह सकते हैं उसकी तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन चीजों से कटते चले जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे मैं एनवायरमेंटल कॉजेस पे हमेशा से टॉक करती आई हूं, मैं हमेशा अपने हर एपिसोड में चीज जरूर कहती हूं कि आप घर में कोई चीज लाते हैं ना, लाने से पहले 10 बार सोचिए और उसे फेंकने से पहले भी 10 बार सोचिए, क्योंकि आप इस जब कचरे को बाहर निकालते हैं ना, आप अपनी पृथ्वी के ऊपर वजन डाल रहे हैं, बिकॉज वो कचरा कहीं ना कहीं जाकर लैंडफिल्स फॉर्म कर रहा है। दूसरी बात जिसे हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं, इस सब को रोकने के लिए हम समझ नहीं पाते हैं कि पेड़ों का इम्पोर्टेंस क्यों है। पर पेड़ जो एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में कहते हैं ना, जड़ जो होती है ना उसकी उस जमीन को बांध के रखती है। तो ये जो बांध के रखना है, ये जो आपका कनेक्शन है, इस कनेक्शन को फॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं मैं इस चीज को उससे कनेक्ट ये करूंगी, ये भीतर से भावना आनी बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी ने कह दिया कि पेड़ लगा लो ऐसे नहीं होगा, आपको अंदर से वो फील आनी चाहिए। इसलिए जो ये एक पेड़ माँ के नाम है ये अभियान भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा कि शायद माँ से रिलेट करके इंसान को हम थोड़ा सा स्पिरिचुअली कन्विंसिंग कर लेते हैं कि यस एटलीस्ट आप जब एक उस पेड़ को उस तरह से लगाएंगे ना तो आप शायद उसका ध्यान ज्यादा लगेंगे। बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि वृक्षारोपण कई जगह होता है लेकिन बाद में लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो पेड़ लगा कैसे लगा, क्या वो ग्रो कर रहा है, उसे पानी मिल रहा है। और इसलिए आपने जो थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप जब पेड़ देते हैं तो उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे या लोग आपको ये भेजते हैं कि यस हमने पेड़ लगाया, ये इस तरह से ग्रो, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है कि इंसान को लगे कि अरे मैं कैसे भेजू क्या करूं, बट एटलीस्ट इफ यू आर पुटिंग इन दैट मच ऑफ एफर्ट्स That counts, और ये बहुत ही सुंदर अच्छी बात है। एंड मुझे तो वैसे ही आपके पेड़ लंगर की बात ही बहुत प्यारी लगी, तो आई एम श्योर आपके जो ये जर्नी और जो एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। एक्सपीरियंसेस को लेकर एक बात करना चाहूंगी मैं आपसे, पर मुझे जब एक्सपीरियंस की बात कर रही थी मैं, तो आपने हमने शुरू में भी ये बताया था और आपके जिक्र में भी कई बार आया, आप एयर वेटरन रहे हैं, तो फौजी बैकग्राउंड आपके साथ हमेशा रहा है और कहीं ना कहीं उसका कुछ असर भी रहा है। एंड जब आपने शुरू में बात की थी ना, तो आपने एक चीज का इस्तेमाल किया था शब्द का कि वहां पर सबको इक्वालिटी में माना जाता है। मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया है वहां पर सर्वधर्म स्थल होते हैं जो कि किसी एक चीज के लिए नहीं होते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए। मैं आपको जानना चाहूंगी कि आपके ऊपर जैसे श्री अरविंदो आश्रम का भी प्रभाव रहा है, ऑफकोर्स आपके पिताजी का भी आपने कहा है, आप एनवायरमेंट से रिलेटेड इतने जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस सब को करने में, जैसे कि हाँ मैं इसके बाद आपसे ऑफकोर्स एक लिमिटलेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन जब आपने ये एंटरप्राइज बिल्ड की या आपने ये आपका जो एनजीओ चलाया समग्र उन्नयन, इस सब के बीच में आपके फौजी बैकग्राउंड का क्या रोल रहा और आप क्या फील करते हैं कि क्या उसकी महत्वता उतनी रही आपके इस लाइफ एक्सपीरियंस में, उसके बारे में प्लीज बताइए कुछ। देयर इज अ थिंग ना, यू आर वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ यू रिमेन एज अ सोल्जर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक बार आप फौजी बनते हैं पूरा लाइफ टाइम फिर आप वैसे ही जीते हैं। मैंने बताया जो स्किल सेट आप एक्वायर करते हैं बीइंग अ फौजी तो वो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट करता है। छोटी सी एक चीज बताता हूँ, जैसे वी हैव बीन टू वेरियस एक्सरसाइजेस, वहाँ पे बड़े डिफिकल्ट टास्क आपको मिलते हैं और वो बहुत सारे टास्क, तो आई टेल यू कि वो आप कोई नॉर्मल किसी नॉर्मल ह्यूमन से आप बोलोगे जो फौजी नहीं है तो बोले ये तो सब इनह्यूमन बातें हो रही हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। एंड वी अचीव एज इन अ टीम वर्क, थ्रू अ टीम वर्क वी अचीव दोज यू नो इनह्यूमन गोल्स सेट टास्क, वो सब चीजें हम अचीव कर पाते हैं। और उन सब के पीछे होती है ट्रेनिंग, कि आपको उस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर आपको बिल्ड किया जाता है, वो जो आपके अंदर चाहे आपके अंदर डिसिप्लिन हो चाहे डेडिकेशन हो टुवर्ड्स योर जॉब वर्क, तो ये जब एक बार आप एक्वायर कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई टेल यू कि मैं कम्युनिकेशन में काम करता था, जो कम्युनिकेशन विच हेल्प्स एयरक्राफ्ट्स टू फ्लाई, है ना। तो सबसे पहला जो डिफिकल्ट, मतलब द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज आप कोई सुखोई 30 जो इतनी स्पीड पे उड़ता है और जो डिसीजन मेकिंग जो हमारे पायलट साहब है वो बनाते हैं, तो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आई टेल यू, पर वो एक ट्रेनिंग है उनकी और उनका माइंडसेट है जिस तरह से वो कर पाते हैं। तो उनको
जो कम्युनिकेशन चाहिए वो 100% चाहिए, 99.99% पे भी वो फ्लाइंग नहीं होगी, राइट? जो आपका मेंटल फिजिकल जो बिल्ट अप होता है इन दैट एनवायरनमेंट, कि आप यू आर ट्रेन टू गेट द 100%, यू आर ट्रेन टू परफॉर्म द 100%. तो जब आप एक इस माइंडसेट से आप सीखते हो चीजों को, तो वो आपको बेनिफिट करती हैं. तो मैं जो मेजरली जो बेनिफिट फौज के बैकग्राउंड से देख पाता हूँ, एक तो उत्साह है ना, उत्साह हमेशा फौजी आपको उत्साहित मिलेंगे, है ना. तो एक तो उत्साह, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, अच्छा बुरा सबको इक्वालिटी से देखना, है ना, अपने अपने लिए कम सोच के दूसरों के लिए ज्यादा सोचना. तो ये बहुत सारी क्वालिटीज आपको फौज से मिलती हैं. तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो सेवा, भारत माता की सेवा करने का मौका मिला 20 साल. तो उससे ये मुझे जो टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल भी बहुत सारे गेन्स आपको मिलते हैं, है ना, और लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं. वो मुझे असल महसूस हुआ कि ये सब जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज, अगर मैं मानता हूँ कि ये क्वालिटीज हैं, तो इट इज गिवन बाय दी फौज, जो हेल्प, जो सेवा, या जो मेरे लिए मेरे माता पिता ने किया होगा किया है. तो ये एक ग्रेटिट्यूड भी है टुवर्ड फौज, जो मैंने सीखा, इट इज पेइंग बैक, आई एम ट्राइंग टू पेइंग बैक टू द सोसाइटी. This is what I've learned from the forge and implementing in my personality as well as reciprocating and resonating with the entire world. Yes. Wonderful, wonderful. बहुत अच्छा लगा ये जानकर, because as a person ना आपके अंदर, आपने जैसे श्री अरविंदो सोसाइटी का थैंक कहा, आपने अपनी फौजी बैकग्राउंड का थैंक कहा, of course आप जिस तरह से बड़े हुए, आपके माता पिता का जिस तरह से आपको ढालने में सहयोग रहा, इस सब को लेकर ना एक बहुत अच्छी चीज जो नजर आती है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, तभी आप ये सारी चीजें इतने अच्छे से कर पा रहे हैं. फिर वो समग्र उन्नयन फाउंडेशन हो, या जैसे हमने भी बात की लिमिटलेस स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप को फाउंडर हैं, तो उसके बारे में भी. यहां पर ना मुझे सेंट बेसिल का एक कोट याद आता है, अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट, अ मैन बाय हिज डीड्स, अ गुड डीड इज नेवर लॉस्ट, ही हु सोस कर्टसी रीप्स फ्रेंडशिप, एंड ही हु प्लांट्स काइंडनेस गैदर्स लव. एंड कहीं ना कहीं ये कोट ना मुझे आपके ऊपर बहुत सही उतरती दिखती है, क्योंकि जब आपने बात की कि आपके बहुत अच्छे मित्र या टीम मेंबर्स रहे हैं जो आपको इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आपकी ये अच्छी डीड्स हैं जिसका फल अब आपको देखने को मिल रहा है कि यू आर मूविंग अहेड, आप जहां कर रहे हैं उससे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगी. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू SUF समग्र उन्नयन फाउंडेशन एंड आपकी बाकी एक्टिविटी के लिए भी, कि इसी तरह से आप अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते रहें और लोगों का सहयोग आपको हमेशा मिले. मतलब जी, एक ही लिमिटलेस के बारे में जरा थोड़ा बताएंगे, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. मैं बताता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको कन्वे करता हूँ. आई फर्मली बिलीव इन द मैनिफेस्टेशंस, और उसपे भी, सिर्फ उसमें भी मैंने तो बहुत बात की बात है. श्री अरविंद की अगर मैं एक बार दोबारा से कोट में बोल पाऊं, एन इंडिविजुअल, श्री अरविंद कहते हैं कि एन इंडिविजुअल परफेक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड. एक व्यक्ति की व्यक्तिगत परिपूर्णता पूरी दुनिया को बदल सकती है. उसके हमारे पास एग्जाम्पल भी है, नेल्सन मंडेला एक एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी एक एग्जाम्पल है, अब्राहम लिंकन एक एग्जाम्पल है, श्री अरविंद हिमसेल्फ इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो मेरे बॉस थे जो, वो ये कहते थे कि परफेक्शन तो बहुत दूर की चीज है, एक तुम सिर्फ एस्पायर भी कर लो, यू एस्पायर फॉर बिगर एंड ग्रेटर थिंग्स, तुम सिर्फ एस्पायर कर लो, फिर अच्छी तुम्हारी एस्पिरेशंस का तुम कमाल देखना. तो आज अभी तक जितना भी कुछ मैंने देखा है इज बिकॉज ऑफ माय एस्पिरेशंस ओनली. मैंने सिर्फ एस्पायर किया है कि मुझे पेड़ लगाने हैं, एंड समबडी केम इन टू माई लाइफ, सुनाल केम इन टू माई लाइफ, एंड थिंग्स आर टुगेदर, खाली पेड़ नहीं लगाने, हमने नेटिव फ्रूट ट्री लगाने. मुझे एजुकेशन में काम करना है, देयर आर टू गर्ल्स, शिखा एंड सिमरन, जो लिमिटलेस की हम बात करेंगे, दीज टू गर्ल्स केम इनटू माय लाइफ एंड दे सेड कि हम एजुकेशन को हम इस पे ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो मेरा तो बैकग्राउंड, मैंने बहुत ज्यादा एथिक्स के ऊपर नहीं काम किया है, मैंने सिर्फ, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर कि मैं अच्छा सिर्फ आई एस्पायर फॉर बिगर थिंग्स एंड ग्रेटर थिंग्स फॉर दिस सोसाइटी, और वो चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं. तो ये एक थ्योरी जिसको मैं प्रैक्टिकली बिलीव करता हूँ और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ. आप अपने लिए नहीं, you aspire bigger and greater things for the society.
और आप उस बिगर कॉज का हिस्सा बनेंगे। बस ये प्रिविलेज आपके पास होगा कि आप उस बिगर कॉज का एक हिस्सा बन जाएंगे और उसको विनम्रता से आप स्वीकार करो। फिर वो काम आप नहीं कर रहे हो, इसको एक बड़े बड़े बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं पवन भैया, उनको मैं बोलता हूँ सोसाइटी से रिलेटेड, ही सेड कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक उन्होंने एक शब्द दिया इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड, नाउ यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, नाउ यू आर एन इंस्ट्रूमेंट टू द गॉड। तो वो आप नहीं कर रहे हो, इट इज हैपनिंग एंड यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड यू एंजॉय दैट प्रोसेस। तो मैं वो प्रोसेस को, आई बिलीव आई एम ब्लेस्ड, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। नाउ आई एम कमिंग टू दी लिमिटलेस स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये संस्था मैंने रिटायर्ड मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन क्योंकि फौज में, फौज का जो कल्चर होता है, काम होता है, वो अलग होता है कॉर्पोरेट से एकदम डिफरेंट। तो मुझे जब मैंने 2019 में मैंने जब शुरू किया था, उस समय आई स्टार्टेड विद टू ऑफ माई फ्रेंड्स, लेकिन वो उस तरह से चल नहीं पाया, देन आई स्टॉप देम। मैंने वहाँ पे अपने ऑपरेशंस को रोक दिया, बंद कर दिया कि मुझे सीखना चाहिए, है ना, मुझे अगर इसी डोमेन में काम करना है तो मुझे सीखना चाहिए। आई स्टार्टेड विद दैट जॉब, और फिर अभी जब मैंने वो जॉब से रिजाइन किया था, उसके बाद सितंबर 23 से मैंने उसके ऊपर ऑपरेशन शुरू किए। और हम सोसाइटी के अंदर ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता है जो लिमिटलेस स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड है, लर्निंग डेवलपमेंट, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो, जो कि एनबी 2020 का एक रिकमेंडेशन है, उसके ऊपर बेस्ड करिकुलम, सिलेबस, असेसमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग, तो इन सब एस्पेक्ट के, क्योंकि मेरा जो कोर वर्क है इज ट्रेनिंग, माई कोर वर्क इज ट्रेनिंग, आई एम अ ट्रेनर बाई प्रोफेशन, है ना। तो मैं और मेरे साथ अब उसमें बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, हम करियर काउंसलिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो गैप है, जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में जो गैप है उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, लाइक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज अ ह्यूज गैप इन आर एजुकेशन सिस्टम। जब मैं सोसाइटी जब मैं काम करता था यहाँ पे, तो एक बहुत ही मतलब मुझे कई बार इसके लिए बड़ा बुरा लगता है कि यहाँ पे हम चंडीगढ़ में मैं काम करता था विद दैट प्रोजेक्ट, तो चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट स्कूल भी है वो बहुत सारे स्टेट के प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया है, चंडीगढ़ एजुकेशन सिस्टम के जो गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे CBSE बोर्ड के वो स्कूल है सारे के सारे, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में पढ़ाई होती है। तो भाषा इतना बड़ा गैप क्रिएट करती है, कर देती है एक्चुअली। लोग एस्पायर करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, 40-50% जो बच्चा होता है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है। आज हमने आजादी की वर्षगांठ बनाई, उसके बाद भी आप मानो बहुत सारी जगह पे आपको 30-40% बच्चा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब आप समझते हैं कि वो खानदान का पैसा चिराग आजाद स्कूल तक आ पाया है, इससे पहले वहां तक कोई स्कूल भी नहीं आया था। तो ये एक तरह से विडंबना भी है, और उसमें वो क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि नहीं हम तो एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना आपने, अरे ना तुमको इंग्लिश आती ना उस बच्चे को आती, तो वो भाषा क्या गैप क्रिएट करती थी, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता बच्चा को। वो कॉन्सेप्ट क्योंकि अब जैसे आपने मुझे भी देखा होगा, जब कोई बड़ी बात करता हूँ तो उसमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो चीज को ट्रेन, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है अपनी, यूपी बोर्ड का मैं पढ़ा हूँ, 12th तक की जो पढ़ाई है मेरी, अब फौज में रह के अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना सिर्फ सीख गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब मैं कोई दिल की बात करता हूँ तो एकदम से मेरी मदर टंग में मैं कर देता हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे से मैं कन्वे कर पाता हूँ। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो करियर काउंसलिंग के ऊपर बेस्ड हैं, भाषा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड हैं, बहुत तरह की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं जिनको मैं खुद भी कराता हूँ, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, लाइक बहुत कैपेसिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, डिफरेंट तरीके, गोल सेटिंग, है ना, लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, आउटबाउंड सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं बच्चों के, एक हमारे बड़ा फेमस प्रोग्राम है जिसको हम यंग रेंजर के नाम से बताते हैं बच्चों को, वी टेक देम टू दी फॉरेस्ट, वी टेक देम टू दी जिसको आप प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं, वहाँ पे वी टेक देम, और इन्वायरमेंट के से जुड़े हुए, इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनका हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस, हैंड्स ऑन एक्सपोजर हम उन बच्चों को देते हैं। जो मैंने बताया था आपको सुनाल, जो फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, ही कंडक्ट दैट वर्कशॉप्स। हाँ, और जो बच्चे फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके लिए जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो कि एक आउटबाउंड वर्कशॉप होती है, रियल 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 सिनेरियो के अंदर आप
प्रैक्टिकली सीखते हो, कर तो लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कैसे की जाती है, नेचर कैंपिंग करते हो, तो बहुत सारे ऐसे 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 काम हो, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, बहुत सारी वर्कशॉप है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बेस्ड है ना, कि सारी थियोरटिकल बात ना हो, जो आप सीखो करके सीखो। इसमें भी फौज का इम्पैक्ट है, फौज में जो भी कुछ सिखाया जाता है आपको हैंड्स ऑन सिखाया जाता है, आप करके सीखो और 100% सिखाया जाता है। कोई भी अगर 100 बच्चों ने सीखना है 100 के 100 को वो स्किल आएगी, लाइक फायरिंग, एवरीबडी हैज टू लर्न दी फायरिंग, है ना। कोई भी गन है, जो भी गन आपने यूज करनी है, उसके बॉडी पार्ट, उसके पार्ट्स क्या है, कैसे उसको यूज करना है, क्या करना है, और वो रिपीटेड ट्रेनिंग्स होती है आपकी, तो वो सब चीजें वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एंड वी आर डूइंग विद मल्टीपल स्कूल्स इन वेरियस रीजन्स। और कुछ हमारे टाइप प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कंपनीज के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, कुछ बहुत सारे लोगों के साथ में, तो ये हमारा जो हमारा कोर वर्क इस ट्रेनिंग, तो वो उस पे हम इस तरह से काम करते हैं। तो ये इट इज ऑल अबाउट लिमिटलेस स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। यस, वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड लाइक मैं अपने लिसनर्स को फिर से बता देना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ही इज पल्लव जी इज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट एंड लीडरशिप कोच। इनके जो ये लिमिटलेस हैं, इसके लिंक्स मैं इस पॉडकास्ट के पोस्ट में नीचे दे दूंगी ताकि आप इनकी वर्किंग देख सकें, ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं देख सकें। एंड थैंक यू टू आपके टीम मेंबर्स, जैसे कि आपने सुनील जी का नाम लिया जो कि एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, सिटीजन स्पेशलिस्ट है, एंड अगर मैं गलत नहीं, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, शिखा जी आपने एक और जिनका नाम दिया था, तो उनको भी धन्यवाद देना, बल्कि आपकी पूरी टीम को ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके साथ मिलकर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशन को लेकर है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एंड सर्टनली हेल्थियर एनवायरमेंट की जो कि हमने बात शुरू भी की थी जिससे कि बहुत बहुत मतलब धन्यवाद भी एंड बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस भी कि इसी तरह से आप इस काम को आगे बढ़ाते रहिए। एनवायरमेंट की बात को लेकर एक सवाल जो मेरा अभी भी रह रहा है, लाइक आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे जो हमने लेटेस्ट चीज पढ़ी थी, जो आपने पहले जिक्र भी की थी एक बार, कि आपने कांवड़ यात्रियों के साथ मिलकर भी कुछ पेड़ लंगर या एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर कुछ कार्य किया था। मैं चाहूंगी कि आप मेरे लिसनर्स को बताएं कि ये क्या था और कैसे हुआ था, प्लीज। हाँ, तो 2022 में हमने एक शिविर लगाया था हरिद्वार के अंदर में, जिसमें हमने कांवड़ यात्रियों को कहा था कि आप घर जाना और एक पेड़ लगाना, है ना। तो इस साल हमने उस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज किया और ये हमने स्टडी किया कि बहुत सारा ना, ये जो हमारे जितने भी पिलग्रिमेज होते हैं, जितने भी तीर्थाटन होते हैं, यात्री जितने भी जाते हैं, तो उससे ना बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, उसको स्टडी करने के लिए अब बहुत सारे जो डिफरेंट वर्टिकल्स के जो लोग हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। एक डॉक्टर शील हैं, एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, डॉक्टर विवेक हैं, डॉक्टर विवेक गोरा इज अ फेमस IIT, वो बहुत अच्छा काम करते हैं ऑन द एनवायरमेंट एज वेल एज ऑन वाटर, पानी के ऊपर उनका काम है। तो उन्होंने सजेस्टेड कि हम पहले अगर इसको अगर स्टडी कर लें कि ये किस तरह से कितना वेस्ट जनरेट होता है, तो फिर उसको उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता हो, सो दैट के वो लैंडफिल जो भी आपने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो बार बार यूज, मतलब एक बार आपके घर में आपने ना पोर्ट्स रखे होंगे कुछ, है ना, प्लास्टिक के ला के रखे होंगे, यूटेंसिल्स भी लेके आते हैं लोग बाग, तो वो एक बार आपने खरीद लिया, वो सालों साल चलते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक जो एक बार यूज किया और थ्रो कर दिया आपने, तो वो तो लैंडफिल में जाएगी, लैंडफिल से वाटर बॉडीज के अंदर जाएगी, वो कंजेस्ट। आज आप देख रहे हो दिल्ली में बाढ़, आज से 10 साल पहले इतनी बाढ़ आपने सुनी, शहरों के अंदर बाढ़ आती थी, वट इज द रीजन, क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गया, किसने चौक किया, ड्रेनेज सिस्टम को किसने चौक किया, इट इज बाय द प्लास्टिक ओनली। एक समय आएगा ये पूरी पृथ्वी को चौक कर देगा, है ना। और जहां पे अभी जो मैंने डाटा एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन 2 करोड़ के आसपास कांवड़ यात्री अभी इस साल हरिद्वार में आया था। हरिद्वार आप अगर गए हो तो आपको पता है वो छोटी सी जगह है, और मैंने क्योंकि हमारे एक टीम मेंबर मिस्टर विपुल शर्मा जो है वो कनखल से हैं, हरिद्वार से ही हैं, तो मैं 2 वीक वहीं रहा, उन्हीं कांवड़ यात्रियों के बीच में रहा, उनके साथ मैंने सर्वेस किए हैं, उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं जो हम गवर्नमेंट को भी सबमिट करेंगे और बाकी लोगों को। और यहाँ पे किसी को ब्लेम करने वाली बात नहीं है कि इसका काम ये तो कलेक्टिवली, क्योंकि एनवायरमेंट हम सबका साझा है, ना, ये एनवायरमेंट हम सबका साझा है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले एज ए सोशल, है ना, सोसाइटी के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो हमारी सोसाइटी है, और जिसके पास जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो लाइक जो लोग यात्रीगण भी आ रहे हैं, वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करें कि वहां पे वेस्ट जनरेट कम हो।
हमारी जो यात्रा है, जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं, वो भी एज इट इज मेंटेन होके काम करें, उसमें कोई कमी ना हो, और साथ ही साथ की जो वेस्ट जनरेशन वाला काम है, स्पेसिफिकली प्लास्टिक जी, है ना, क्योंकि जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो तो कोई व्यक्ति, जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो बायोडिग्रेडेबल है, पृथ्वी माँ अपने आप उसको सेटल कर लेगी। प्लास्टिक तो हमने क्रिएट किया है ना, जो 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 नेचर क्रिएट करती है, नेचर उसका सेटलमेंट कैसे करना है उसको पता होता है, वो अपने आप कर लेती है, लेकिन जो हमने क्रिएट किया है उसके लिए हमें वी हैव टू यू नो लुक फॉर। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने समग्र जागृति के रूप में हम उसको आगे फ्यूचर में लेके आने वाले हैं। हम अपना मेंबरशिप प्रोग्राम, हम हमारे यहाँ पे हम समग्र फाउंडेशन में अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो इसी महीने हमने लॉन्च किया है। उसके अंदर हमारा मंथली न्यूज लेटर, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके पास एक न्यूज लेटर मंथली जाएगा, और क्वार्टरली एक मैगजीन जाएगी, जिसके अंदर हमारे काम के साथ साथ इन जो डोमेन में हम करते हैं तो प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, जैसे आप कवर करते हो, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमें भेजो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप भी हमें बताओगे, तो हम उन लोगों को पब्लिकेशन के माध्यम से कवर करेंगे, सो देट के दुनिया को मालूम पड़े कि ये बहुत छोटे छोटे से इनिशिएटिव है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में करने से, डेली लाइफ में अगर आप इनको अडॉप्ट करोगे तो मदर नेचर के लिए इतने सारे बेनिफिट होने वाले हैं। छोटे 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 से इनिशिएटिव होंगे और उनका इम्पैक्ट फिर बढ़ता जाएगा। तो ये दो तीन चीजें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे जो स्टिचिंग सेंटर है, जो सिलाई सेंटर, जो महिला जो वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर समग्र इंडियन फाउंडेशन ने जो हमारा विंग है जो ये काम करता है, तो उनके ऊपर हम बहुत सारा काम अब शुरू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। तो ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, और जो है वो तो अभी जो जो ऑन गोइंग है उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से, मेरे से ज्यादा अच्छे से आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है उनको, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको। तो ये एक इनिशिएटिव है, और बाकी सब लोगों से भी जो आपके आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप एस्पायर करो फॉर दी, और जरूरी नहीं कि आप किसी भी संस्था के साथ जुड़ो, मैं अपनी नहीं बोलता हूँ, किसी के साथ आप यू डू योर बिट। मैंने इनिशियली जब ये संस्था भी नहीं बनाई थी तब तक मैंने लगभग 100-150 पेड़ खुद से लगाए थे, एंड आई वॉज एस्पायरिंग कि मैं इस लाइफ टाइम में 1,00,000 पेड़ तो लगा दूंगा। दिस वॉज जस्ट एन एस्पिरेशन कि मैं अपने इस लाइफ टाइम में, काफी लंबा लाइफ स्पैन होगा मेरा, और उसमें मैं 1,00,000 पेड़ लगा दूंगा। आज वो काम एक दिन में भी पॉसिबल है, अगर मैं आज करूं कि मुझे एक दिन के अंदर 1,00,000 पेड़ लगाने हैं, तो वो पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं हो। मैं जिस काम को लाइफ टाइम में सो, वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आपके माध्यम से और बहुत डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से मैं जुड़ा हूं। तो वो 1,00,000 पेड़ अगर मैं आज सोचूं कि मुझे कल या अगले एक हफ्ते के अंदर 1,00,000 पेड़ लगवाने हैं, तो वो पॉसिबल हो सकता है। पर क्योंकि हमने बड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचा है कि हम नेटिविटी के ऊपर बात करेंगे और उस प्रोसेस को साइंटिफिक रखेंगे, तो वो हम नंबर पे इसलिए हम बात ही नहीं करते कि 10,00,000 पेड़ लगाएं या 5,00,000 लगाएं, 2,00,000 पेड़ लगाएं। हम कहते हैं कि पेड़ चाहे 50 ही लगे, एक तो 100% उनका सर्वाइवल रेट होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। गिनती बहुत होती है, हर साल होती है। हर साल अगर आप प्लांटेशन देखने जाओगे ना, तो कई करोड़ पेड़ लगते हैं पृथ्वी पे, है ना। मैं एक भी बैठा था, एक बहुत नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े अधिकारी थे एक डिस्ट्रिक्ट के, तो इस सड़क के लास्ट ईयर इस शहर के अंदर 3 करोड़ पेड़ लगा था। 3 करोड़ पेड़ का जंगल होता है, हाँ 3 करोड़ पेड़ का डाटा उन तक आया था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके इसी शहर के अंदर 3 करोड़ पेड़ लगाए थे। अगर 3 करोड़ पेड़ किसी शहर में लग जाए तो आप मान जाओ उसका क्या बनेगा। तो मैं वो नंबर के पीछे नहीं जाता, मैं 50, 100, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 पेड़ आप लगा दोगे, 10,000 पेड़ आप अगर लगा दिए, 5 साल में वो 10,000 पेड़ 1,00,000 पेड़ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बर्ड्स उसके पर फ्रूट लगेगा, बर्ड्स उस फ्रूट को डिसबर्स करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस है, मेरा नहीं है, मुझे भी साइंटिस्ट लोगों ने जो मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने दिया है और मुझे वो अच्छा लगा, मैंने अडॉप्ट कर लिया। ये एक प्रोसेस है। तो मेरा कहना है, बताते रहे, आप 10 ही पेड़ लगाओ उनको प्रोटेक्ट करो, 5 ही लगाओ उनको प्रोटेक्ट करो बस, और बाकी लोग आपको देख के, हम तो सबसे प्रेरणा लेते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब अच्छा करो, बस आप करो अच्छा, हम बड़े खुश हैं आपके अच्छा करने में। बहुत खूबसूरत बात बताई पल्लव जी। यहाँ पर 2-3 चीजों पर वापस आना चाहूंगी, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया एस्पायर एंड मैनिफेस्टेशन, तो बिल्कुल एस्पिरेशन अपनी ऐसी रखिए कि यस आप ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल सोच सकते हैं, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो कार्य भी पूर्ण होगा। जैसे कि पल्लव जी ने अपनी एक्सपीरियंस से बताया
कि किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज जब वो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल दुआ करूंगी आपका लाइफ स्पैन बहुत सालों तक रहे और इसी तरह से पेड़ भी बहुत सालों तक उगते रहे, हमारी धरती का लाइफ स्पैन भी इसी तरह से बहुत 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 सालों तक आगे बढ़ता रहे। और इस तरह की आपकी जो कोशिश है आपकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर और आप जो भी एक्टिविटीज करें जैसे कि आपने बताया वो ऐसी ही चलती रहे। एंड बहुत अच्छा लगा सुनकर कि जब आपने पहले सोचा था कि मैं 1 लाख पेड़ लगाऊंगा और वो अब संभव है एक दिन या एक हफ्ते में होना भी, तो ये चीज बहुत अच्छी है बिकॉज नाउ यू नो दैट यू हैव पीपल अलोंग विद यू। एंड नाउ यहाँ पर एक चीज मुझे याद आती है, एडवेंचर्स लोग कहते हैं कि इफ यू थिंक प्लांटिंग ट्रीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो याद रखिए रिमेंबर दैट देयर रूट्स आर होल्डिंग अप द पेवमेंट यू वॉक ऑन। ये जो जमीन पकड़ के रखी हुई है ना वो उसी की जड़ों ने पकड़ी हुई है। तो पेड़ लगाने को लेकर और हाँ यहाँ पर मतलब मैं क्यों कनेक्ट करना चाहूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेड़ लगा देना ये काउंट मैटर नहीं करता, बिकॉज वही अभी हमने जैसे करोड़ों के पेड़ की बात की तो शायद जंगल अभी तक दिख जाना चाहिए था, लेकिन उसका सर्वाइवल रेट वो ज्यादा मैटर करता है। मैं भी अपने बच्चे के साथ मैं जहां जहां भी रही हूँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं वहां पर 2-4 पेड़ हमेशा लगाकर निकलूं, लेकिन हाँ दुख होता है कभी कभी कि मुझे नहीं पता होता कि वो सर्वाइव कर पाया कि नहीं कर पाया। ये बहुत जानना जरूरी होता है बिकॉज एक पेड़ को बढ़ने के लिए सालों लगते हैं, जैसे हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं उसको भी सालों लगते हैं, ये 2 महीने या 2 दिन की वो नहीं है। तो हमें उसको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि धरती जो हमें इतने सालों से बनी बनाई मिल गई है उसमें अगर कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो उसकी भरपाई करने के लिए वो टाइम, वो एफबी को पूरा होने के लिए टाइम लगेगा। एंड आपने जो ये बात कही ना समग्र जागृति, मुझे ये अभियान भी बहुत सुनकर बहुत प्यारा लगा। एंड जैसे कि आपने जिक्र किया मेंबरशिप का, तो मैं जरूर अपने लिस्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप समग्र उन्नयन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज उनकी वेबसाइट जो कि मैंने पहले भी बताया था samagraunnayan.org पर चेक कर सकते हैं कि उनकी कौन सी एक्टिविटीज चल रही है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि नाउ यू कैन बिकम अ मेंबर एंड यू कैन शेयर द जर्नीज, सो आप उनका इवन इंस्टाग्राम हैंडल जो है उसे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है समग्र SAMAGR_UNNAYAN, जहां पर पल्लव जी अपनी टीम मेंबर्स के साथ जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं वो हमेशा पोस्ट करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि किस तरह से गतिविधियां हो रही है। मैं कई बार मैं मानती हूं कि कभी कभी ना सोशल मीडिया को लेकर थोड़ा लगता है क्यों बताए क्यों दिखाए क्यों करना, पर कभी कभी मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सेटअप में ये जरूरी भी है। लाइक मैंने भी जब अपना ये सफर शुरू किया था तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मैं एक भी इंटरव्यू ले पाऊंगी या नहीं, मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैं किसी फाउंडेशन या किसी चीज के साथ जुड़ नहीं जा रही तो मुझे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए था। सो मैंने उस समय अपनी आवाज को माध्यम बनाया, लेकिन आज अब जब वक्त रहते मैं जुड़ पा रही हूँ तो अच्छा लगता है जब आप इस तरह के काम कर पाते। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने हरिद्वार का जिक्र किया, आपने कांवड़ का जिक्र किया, तो आप जो डेली बेसिस पे चीजें हो रही हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ पेपर पे नहीं है, ऑन ग्राउंड आपका काम नजर आ रहा है। सो अपने सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज फॉलो समग्र उन्नयन फाउंडेशन, उनकी एक्टिविटीज को देखें, आप उनका मेंबर बनना चाहते हैं या वो जिस शहर में आ रहे हैं या आपके शहर के आसपास है और आप उनके पेड लंगर या बाकी किसी एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं तो आई एम श्योर पल्लव जी इज रेडीली अवेलेबल, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसे करना है क्या करना है। सो दिस इज रियली लवली एंड मुझे आपकी मतलब मैं इस आपके इस फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी के लिए ऑफकोर्स कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी एंड ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। जो आपने समग्र जागृति की बात की कि इसी तरह से ये चीज आगे बढ़ती रहे, पनपे बहुत अच्छे से आगे बढ़े, बिकॉज ट्री प्लांटेशन जो है ना उसे होली कहा जाता है, एक तरह से हम किसी की जान बचा रहे हैं उससे रिलेट किया जाता है। इट इज एज होली एज सेविंग समवन्स लाइफ, बिकॉज वृक्षारोपण जो है, वृक्ष हम जिसे कहते हैं, वो मानव जीवन के लिए सिर्फ जीवन ही नहीं प्रदान करता और भी कई चीजें हैं जो ऑक्सीजन के अलावा वो हमें देता है, वह मौसम का संतुलन है, पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखना है, इस सब पे भी मदद करता है। या जैसे हमने अभी बात की बाढ़ की या समय पे बारिश होने की, तो वृक्ष जो है वो सभी जीवों को जीवन प्रदान करते हैं और साथ ही साथ ऑफकोर्स हम देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि करता है। क्यों हमें अच्छे लगते हैं जब हम पेड़ पौधों के बीच में जा रहे होते हैं। सो मुझे लगता है कि आपने जैसे वो चीज शुरुआत में मुझे बताई थी ना कि लोग आपको आजकल पेड़ लंगर के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी बुला लेते हैं, एलुमनाय है किसी ने घर है, तो मुझे लगता है कि मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके घर पे कोई भी मांगलिक अवसर है या आपका जन्मदिन है या कोई भी अच्छा कारण है
तो प्लीज पेड लंगर है या पेड लगाने का कोई अभियान है या आपके लेवल पे दो ही पेड़ है अगर आप रोपित कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि वृक्षारोपण आगे जाकर आने वाली जनरेशन को मदद करेगा। और यहाँ पर एक चीज पर स्ट्रेस जरूर देना चाहूंगी, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, नेटिव ट्री प्लांटेशन, बिकॉज वही है ना कि कहीं और का पेड़ किसी और जगह आराम से नहीं उग सकता, उसको उस अनुकूल पर्यावरण चाहिए होता है, हवामान चाहिए होता है। सो अपने नेटिव में कौन सा पेड़ ज्यादा अच्छे से पनप रहा है उसका ध्यान रखिए, बिकॉज नेटिव प्लांट्स जो होते हैं ना वो ह्यूमंस के साथ साथ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पल्लव जी ने कहा था, बर्ड्स को भी हेल्प करते हैं, बिकॉज उन्हीं से जो हम बात कर रहे थे कि सीड्स डिस्पर्स होती है, That helps. Bees के लिए, birds के लिए, इन सब के लिए ना एक native plant का होना बहुत जरूरी है। So, पल्लव जी, wonderful, 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 आपकी journey, आपका समग्र उन्नयन की journey, आपका skill leadership की leadership skills organization की journey, आपका being an air veteran, being a spiritual person, इस सब की सोचना आपके foundation पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी भाषा पे, आपके जो experiences आपने share किए उस सब पे नजर आती है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आज मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद पता होता है, लेकिन वो होता है ना कि जैसे आपने word किया aspire, मैनिफेस्ट करना, तो हम करते हैं, हम सोच रहे होते हैं लेकिन शायद हम उस पे एक्ट नहीं कर पाते। तो उन वर्ड्स पे स्ट्रेस देखकर या उस चीज से आपने रिलेट करके जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आपका जो ये स्पिरिचुअलिटी का भी जो आपका सफर है, मैं चाहूंगी वो भी बढ़ोतरी पर ही हमेशा रहे, और इसी तरह से आप हमारे एनवायरमेंट के लिए कार्य करते रहे। आपको, आपकी टीम को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत बेस्ट विशेस टू कैरी ऑन ऑल दीज activities wonderfully. So thank you very much Pallav ji for your time, for your efforts and for sharing your journey with Green Tattva Talks. Aapka bhi bahut dhanyawad. Aapka bhi bahut bahut dhanyawad. Thank you so very much. Thank you. Thank you Pallav ji. I will lastly read one quote by Frank Lloyd Wright, that the best friend on earth of man is the tree. When we use the tree respectfully and economically, we have one of the greatest resources on the earth. Very well said. And isi note par main aaj ka episode khatam karna chahungi. Tattva Girl will be back with more inspiring, motivating and similar stories to all of you. Tab tak haste rahiye, muskurate rahiye, ek ped lagane ki koshish zarur kariye. Aapke aas paas agar is tarah ka ped langar hai ya aap is tarah ka kuch activity karna chahte hain to uske bare mein pata kariye. Itna mushkil nahi hai is karya ko karna. Aur ha, ek cheez aur karna chahungi, single use disposable plastic ka istemal jitna ho sake please kam kariye. Apne saath steel ki bottle, steel ka chamach, steel ka glass lekar chaliye. Kripa kare is dharti ke upar, because jaise ki inhone Haridwar ka zikr kiya tha, ऐसी छोटी छोटी जगहों पे अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़कर जा रहे हैं तो आप उस धरती का बोझ बढ़ा रहे हैं। सो कोशिश करिए प्लीज इस प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करने की, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा था, ये प्लास्टिक हमारा ही जन्म किया हुआ है, तो हमें ही इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नेचर इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, प्रणाम, बाय, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।